सो गाइज, जो 30,000 रुपीज़ का बजट होता है ना, ये वो बजट होता है जो कि बहुत सारे लोगों का बजट होता है एक पीसी के लिए, खासकर स्टूडेंट्स के लिए। तो आप लोग 30,000 रुपीज़ के अंदर ना तीन टाइप के पीसी बिल्ड कर सकते हो। पहला, आप लोग कोई एपीयू के ऊपर बिल्ड कर सकते हो जो कि आपको 1080p पर 60fps की गेमिंग करवा देगा, अगर आपको GTA 5 जैसे गेम्स खेलने हैं तो। और अगर आप लोग थोड़े मॉडर्न गेम्स खेलना चाहो तो आप वो भी खेल सकते हो 720p पर और लो सेटिंग्स के ऊपर, तो गेमिंग कर सकते हो आप लोग विदाउट ग्राफिक्स कार्ड। साथ ही में यहाँ पे आप लोग अपना जो एडिटिंग वगैरह है वो कर सकते हो, कोडिंग कर सकते हो, ऑनलाइन क्लासेस वगैरह आप अपने ले सकते हो। स्टूडेंट्स के लिए एपीयू काफ़ी सही रहते हैं, आपका काम इसमें आराम से चल जाता है। अब जिन लोग को एपीयू नहीं पता, बता देता हूँ कि एपीयू जो होते हैं उनके अंदर आपको सीपीयू के साथ साथ इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स भी देखने को मिल जाते हैं, मतलब आपको ग्राफिक्स कार्ड अपने सिस्टम में लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बिना ग्राफिक्स कार्ड के भी आप लोग हल्की फुल्की गेमिंग कर सकते हो, वीडियो एडिटिंग कर सकते हो, बाकी अपने नॉर्मल काम कर सकते हो। और सेकेंड टाइप के पीसी में आप लोग कोई यूज्ड ग्राफिक्स कार्ड या फिर कोई यूज्ड प्रोसेसर लगा सकते हो, जिससे आपके पीसी की कॉस्ट कम हो जाती है। और एपीयू से तो आपको कई ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाती है सीपीयू प्लस जीपीयू के कॉम्बो से। लेकिन अभी सीन कुछ ऐसे चल रहे हैं कि आप लोग अगर यूज्ड ग्राफिक्स कार्ड भी लेते हो ना, तो भी आपको बहुत ज़्यादा महंगे मिल रहे हैं और मुश्किल से ही मिल रहे हैं, क्योंकि लोगों को जब नए ग्राफिक्स कार्ड नहीं मिले हैं तो लोगों ने काफ़ी सेकेंड हैंड ग्राफिक्स कार्ड को भी परचेज़ किया है। और जो थर्ड टाइप का पीसी है हमारा, उसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, तो आपको उसका डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग वो वीडियो भी देख सकते हो। तो आज की वीडियो में हम लोग इन तीनों पीसी में से जो अपना एपीयू वाला पीसी है उसको बिल्ड करने वाले हैं 30,000 के बजट में। और इस वाले पीसी पे आप लोग आराम से अपनी वीडियो एडिटिंग कर सकते हो, कोडिंग कर सकते हो, अपने स्कूल कॉलेज का जो भी वर्क है वो कर सकते हो, साथ ही में आप लोग यहाँ पे गेमिंग भी कर सकते हो। GTA 5 जैसे गेम में आपको 60+ FPS मिल जाते हैं 1080p पर, और गेम के ही अंदर आपको कई जगह पर आपको 80+ FPS भी देखने को मिल जाते हैं। बाकी आप लोग डूम एटर्नल वगैरह जैसे भी गेम खेलना चाहते हो तो आराम से खेल सकते हो, 1080p पर आप लोग गेमिंग कर पाओगे, ठीक ठाक लेवल की गेमिंग आप कर सकते हो बिना ग्राफिक्स कार्ड के। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। तो अब चलते हैं वीडियो की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं प्रोसेसर से। तो यहाँ पे आप लोग AMD का Ryzen 5 3400G यूज़ कर सकते हो, जो कि एक APU है, तो यहाँ पे आपको कोई ग्राफिक्स कार्ड लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। विदाउट ग्राफिक्स कार्ड आप अपने PC को चला सकते हो, गेमिंग वगैरह कर सकते हो। अब इसकी प्राइस की बात करें तो 15,000 रुपीज़ में ये AMD कंप्यूटर्स पे मिल रहा है, और मैंने ही सारे ही कंपोनेंट्स को पहले ही बहुत अच्छे तरीके से चेक किया है अलग अलग वेबसाइट्स के ऊपर। जहाँ पे भी मुझे ज़्यादा सस्ता मिला है वही वाली वेबसाइट मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो Amazon की अगर हम प्राइस की बात करें तो ये इस टाइम पे Amazon पे मिल रहा है 18,400 या 500 रुपीस के आसपास। तो Amazon पे तो काफ़ी ओवर प्राइस है, तो आप लोग AMD कंप्यूटर से इसको परचेज़ कर सकते हो। और सारे ही कंपोनेंट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो अगर आपको कुछ भी चेक करना है या फिर अगर आपको कुछ भी परचेज़ करना है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक्स को कंसीडर कर सकते हो। और अब बात कर लेते हैं इस प्रोसेसर के कुछ स्पेक्स के बारे में। तो यहाँ पे आपको 4 कोर्स एंड 8 थ्रेड्स देखने को मिल जाते हैं। 3.7 GHz की बेस क्लॉक स्पीड है और मैक्सिमम ये जाता है 4.2 GHz तक। 6 MB की यहाँ पे आपको टोटल कैश मेमोरी देखने को मिलती है और 65W की TDP, और साथ ही में यहाँ पे आपको वेगा 11 के ग्राफिक्स मिल जाते हैं, मतलब यहाँ पे आपको टोटल 11 यूनिट्स मिल जाते हैं ग्राफिक्स के। तो यहाँ पे आप लोग आराम से अपनी गेमिंग वगैरह कर सकते हो, वेगा 11 आपको काफ़ी ठीक ठाक गेमिंग करवा देता है। और साथ ही में ये वाला जो प्रोसेसर है 65W की TDP पर आता है, और आप लोग चाहो तो इसको ओवरक्लॉक भी कर सकती हो क्योंकि ये अनलॉक प्रोसेसर है, तो आपको थोड़ी एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस मिल जाएगी ओवरक्लॉक करने के बाद। और ये बना हुआ है 12 नैनोमीटर की FinFET टेक्नोलॉजी के ऊपर। और परफॉर्मेंस की बात करें तो गेमिंग परफॉर्मेंस मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, आप लोग 1080p पर गेमिंग कर सकते हो, वीडियो एडिटिंग कर सकते हो, कोडिंग भी कर सकते हो, साथ ही में आप लोग यहाँ पे फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, कोरल ड्रॉ जैसे भी आप लोग सॉफ्टवेयर चलाना चाहते हो बहुत आराम से चला सकते हो। और फ्यूचर में अगर आप लोग इसमें ग्राफिक्स कार्ड भी ऐड करना चाहते हो तो बहुत आराम से कर सकते हो, 1660 सुपर, 1650 सुपर, RX 570 जैसे ग्राफिक कार्ड, कोई बॉटलनेक इश्यूज़ वगैरह आपको यहाँ तक देखने को नहीं मिलेंगे। और अब बात कर लेते हैं मदरबोर्ड के बारे में। तो इस बिल्ड में आप लोग गैलेक्स का A320 मदरबोर्ड यूज़ कर सकते हो। अब ये जो A320 वाले मदरबोर्ड होते हैं ये काफ़ी बेसिक फीचर के साथ में आते हैं, और अगर आप लोग APU पर बिल्ड कर रहे हो तो आप लोग के लिए काफ़ी ठीक रहते हैं।
अब इस वाले मदरबोर्ड के अंदर आपको दो रैम स्लॉट देखने को मिल जाते हैं, तो आप यहाँ पे दो रैम स्टिक्स लगा सकते हो। एक M.2 स्लॉट भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पे आपको दो USB 3 के पोर्ट्स मिल जाते हैं और चार USB 2 के पोर्ट्स मिल जाते हैं। HDMI VGA केबल के लिए यहाँ पे आपको पोर्ट मिल जाते हैं, तो काफ़ी ठीक ठाक सा मदरबोर्ड है, आप लोग इसको कंसीडर कर सकते हो। और यहाँ पे हम गैलेक्सी के मदरबोर्ड की प्राइस की बात करें तो ये आपको वेदांत कंप्यूटर्स पे 3,450 में मिल जाएगा। बाकी और वेबसाइट पे भी आप चेक कर सकते हो, लेकिन इससे थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा आपको वहाँ पे करना पड़ेगा। तो वेदांत कंप्यूटर्स पे इस टाइम पे फ्री शिपिंग भी चल रही है, तो आपको यहाँ पे 3,450 ही पे करने पड़ेंगे इस वाले मदरबोर्ड के लिए। तो आप लोग आराम से इसको यहाँ से परचेज़ कर सकते हो, लिंक्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। और अब बात कर लेते हैं रैम के बारे में, तो यहाँ पे आप लोग XPG की D30 रैम को लगा सकते हो, 8GB की 3200 MHz की फ्रिक्वेंसी वाली। Amazon पर इसका प्राइस है 4,700 के आसपास। और अब ये जो रैम है ना, आप लोग को एक सिंगल स्टिक नहीं लगानी है, आप लोग जब भी APU के ऊपर बिल्ड करते हो तो आप लोग को वहाँ पे डुअल चैनल पर रैम को चलाना चाहिए। मतलब आपको यहाँ पे दो रैम स्टिक्स लेनी पड़ेंगी, या तो आप 4 GB की दो स्टिक्स ले लो, या फिर आप लोग 8 GB की दो स्टिक्स ले लो। और ज़्यादा अच्छा ये रहेगा कि अगर आपको वीडियो एडिटिंग वगैरह जैसे काम भी करने हैं तो आप लोग यहाँ पे 8 GB की दो रैम स्टिक्स को लगा लो, तो आपको काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस मिलेगी। APU जो होते हैं वो डुअल चैनल रैम के ऊपर अपनी फुल पोटेंशियल पर चलते हैं, तो आप लोग यहाँ पे डुअल चैनल रैम लगाना। लेकिन अगर आपके पास में अभी इतना बजट नहीं हो पाता है तो आप लोग एक सिंगल रैम लगा सकते हो 8GB की, बाद में फिर आपके पास में अगर पैसा हो तो आप लोग इसको अपग्रेड भी कर सकते हो। और यहाँ से आपको Amazon से इसको परचेज़ नहीं करना, आप लोग इसे प्राइम ABGB से परचेज़ कर सकते हो। तो 4,050 में ये आपको प्राइम ABGB पर मिल जाती है XPG की D30 रैम। और अब बात कर लेते हैं पावर सप्लाई के बारे में, तो इस बिल्ड में आप लोग यहाँ पे एनटेक की VP450P+ 450 वॉट की पावर सप्लाई लगा सकते हो। इस बिल्ड के हिसाब से 450 वॉट की पावर सप्लाई मोर देन इनफ है। और अगर आप लोग फ्यूचर में कोई 1650 सुपर जैसा ग्राफिक्स कार्ड भी लगाते हो, तब भी जो आपको अपनी पावर सप्लाई है उसको अपग्रेड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये जो पावर सप्लाई है 80+ के स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन के साथ में आती है, तो आपका जो सिस्टम है वो काफ़ी स्टेबल रन करेगा। और ये जो पावर सप्लाई है इसको आप लोग वेदांत कंप्यूटर से परचेज़ कर सकते हो, 2,300-400 के आसपास ही आपको वहाँ पे मिल जाएगी। और अगर आप लोग इसको अमेज़ॉन से परचेज़ करना चाहते हो तो वहाँ पे आपको 2,700 के आसपास मिलेगी। तो अच्छा यही है कि आप लोग इसको वेदांत कंप्यूटर से परचेज़ कर लो। और अब बात कर लेते हैं स्टोरेज के बारे में, तो आज के टाइम में अगर आप लोग कोई भी PC बिल्ड कर रहे हो तो कम से कम उसके अंदर एक SATA SSD ज़रूर लगाओ, क्योंकि जो आपकी हार्ड ड्राइव होती है उससे 10 times फास्टर होती है SSD, तो आपको ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाती है। तो इस बिल्ड में आप लोग 240 GB के SSD लगा सकते हो, 3,000 के आसपास आपको देखने को मिल जाती है, कोई भी ब्रांड की आप लोग लगा सकते हो। तो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपका 240 GB में काम चल सकता है तो आप लोग 240 GB लगा लो, या फिर अगर आप लोग थोड़ी स्टोरेज और चाहते हो तो आप लोग यहाँ पे 480 GB की SSD भी लगा सकते हो किंगस्टन की तरफ से, यह आपको मिल जाएगी अमेज़ॉन पर 4,500 के आसपास। और जो 240 GB है वो मिल रही है 3,000 की, तो यहाँ पे आपको 1,500 एक्स्ट्रा लगाने हैं, तो आपको डबल स्टोरेज उसकी मिल जाएगी, यानी 240 GB के आपको यहाँ पे डबल मिल जाएगी। और बाकी अगर आपको 240 GB के साथ में एक हार्ड ड्राइव लगानी है तो आप लोग वो भी कर सकते हो कि 240 GB लगा सकते हो SSD, और साथ ही में आप लोग यहाँ पे एक हार्ड ड्राइव लगा सकते हो 1 TB की, जो कि आपको 3,000 के आसपास मिल जाती है। तो स्टोरेज आप लोगों के ऊपर डिपेंड करती है, आपको कितनी ज़रूरत है उस हिसाब से आप लोग स्टोरेज लगा सकते हो। और अब बात कर लेते हैं इस बिल्ड के लास्ट कंपोनेंट के बारे में, जो कि है कैबिनेट। तो यहाँ पे आप लोग चिप्ट्रॉनिक्स का MX1 कैबिनेट यूज़ कर सकते हो, जो कि बहुत ही सही प्राइस के ऊपर आता है, 2,400 के आसपास ही आपको अमेज़ॉन पर देखने को मिल जाता है। अब इस वाले केस में आपको जो है साइड में टेम्पर्ड ग्लास देखने को मिल जाता है, और बैक में आपको यहाँ पे 120mm का एक RGB फैन देखने को मिलता है। फ्रंट में यहाँ पे आपको एक RGB स्ट्रिप मिल जाती है, और यहाँ पे आपको मैग्नेटिक डस्ट फिल्टर भी देखने को मिल जाता है टॉप में, और यहाँ पे आपको PSU श्रॉड भी देखने को मिल जाता है। तो आपकी जो PSU की फालतू की केबल्स होती हैं वो आप लोग आराम से हाइड कर सकते हो। तो केस काफ़ी ज़्यादा सही है और बहुत ही सही प्राइस पे आपको देखने को मिल जाता है। और इसके IO पोर्ट्स की बात करें तो यहाँ पे आपको पावर बटन, रीस्टार्ट बटन, LED को कंट्रोल करने के लिए बटन मिलता है, हेडफोन और माइक के लिए जैक मिल जाता है, USB 2 के दो पोर्ट्स मिल जाते हैं और USB 3 का एक पोर्ट मिल जाता है।
एयर फ्लो इस कैबिनेट का इतना अच्छा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ना आपको मैश मिल रही है ना ज़्यादा फैंस मिल रहे हैं, बस आपको यहाँ पे सिंगल फ़ैन मिलता है बैक में। तो आप लोग यहाँ पे अपनी तरफ से भी परचेज़ करके फ़ैन्स को लगा सकते हो। फ्रंट में आप यहाँ पे 3 120 mm तक के फ़ैन्स लगा सकते हो, टॉप में आप 120 mm के या 140 mm के दो फैंस लगा सकते हो, और रियर में एक लगा हुआ है ही। और अगर आप लोग लगाना चाहो, वैसे बजट बिल्ड है तो यहाँ पे कोई रेडिएटर तो लगाएगा नहीं, लेकिन फिर भी अगर कोई लगाना चाहे तो 240 mm तक का यहाँ पे आप लोग को रेडिएटर लगाने को मिल जाता है। तो देखा जाए तो बजट के हिसाब से काफ़ी सही कैबिनेट है। और अगर आपको कोई और कैबिनेट पसंद है थोड़ा इससे महंगा या फिर थोड़ा इससे सस्ता, तो आप लोग वो भी लगा सकते हो। तो बस यही थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए स्टे ऑसम, गुड बाय।